वहीं सरकार को पहले से ही पता था कि समाजवादी पार्टी बजट सत्र के पहले दिन ही हंगामा खड़ा कर सकती है। यही वजह रही कि सीएम योगी ने विपक्ष से शांति की अपील की थी। सीएम ने कहा था कि वो हर मुद्दे और हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही का इंतजार नहीं किया। जिस रणनीति के तहत वो विधानसभा पहुंचे थे उसे कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। सिर्फ जातीय जनगणना ही नहीं, कई और ऐसे सवाल भी रहे जिसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर चुभने वाला अटैक किया। समाजवादी पार्टी को बजट सत्र शुरू होने का सिर्फ इंतजार भर था और जैसे ही 20 फरवरी की तारीख आई सपा के विधायक एक्शन में आ गए। तख्ती और पोस्टर तो पहले से छपकर तैयार थे, बस उन्हें लेकर उतरने की बारी थी। अखिलेश के निशाने पर वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी रहा जहां से लाखों करोड़ के निवेश का दावा हो रहा है। अखिलेश ने सरकार पर कई चुभने वाले तंज किए, बुलडोजर का हवाला दिया और निवेश पर सवाल उठाए। उद्योगपति दिल्ली के डूबे हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अगर उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन से जोड़ रहे हैं और इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं कि लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, पहले तो ये बताएं सामान्य विधायक की जो निधि का सदन में कहा गया कि उनकी निधि बढ़ा दी जाएगी, जो सरकार विधायकों की निधि न बढ़ाती हो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि 40 लाख करोड़ से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आने का जो सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा। समाजवादी पार्टी ने चुन चुन कर मुद्दे इकट्ठा किए हैं। किसी पोस्टर पर महंगाई वाला नाम था तो किसी पोस्टर पर बेरोजगारी वाला तंज। अखिलेश ने कानपुर की घटना का जिक्र कर राम राज्य के दावे पर भी सवाल उठाए। आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिखा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के तेवर बता रहे थे कि आने वाले दिनों में सियासी जंग कितनी जोरदार होने वाली है। ये हालात तब थे जब सीएम योगी ने कार्यवाही शुरू होने से पहले संयम बरतने की अपील की थी, अपनी बात को सही तरीके से उठाने को कहा था। राम राज्य का मतलब ये नहीं कि बुलडोजर से आप माँ बेटी को मार दें। क्या राम राज्य का यही सपना है कि माँ बेटी बुलडोजर से मार दी जाएंगी, जला दी जाएंगी? क्या यही राम राज्य है? अगर ये राम राज्य है तो मैं कहता हूँ 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो सपना दिखाए एक रुपया भी आ जाए तो बताइए। सरकार कहती है कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, शर्त ये है कि उस मुद्दे को तरीके से उठाया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति अलग है। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका, और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें, ये उनका अधिकार है। सत्र की कार्यवाही से पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब भी सरकार ने कहा था कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है। बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा और पहले दिन ही साफ हो गया कि 6 मार्च आते आते कई चुभने वाली तस्वीरें दिखेंगी और कई चुभने वाले बयान सुनाई देंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी के साथ धीरेश पांडे की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।